आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे वैद्य आपको घर बैठे देते हैं बीमारियों से लड़ने के घरेलू नुस्खे, जिनसे आपका जीवन रहेगा हमेशा निरोग। दोस्तों, देख लेते हैं कि आज के वीडियो में क्या खास है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं नींबू के प्रयोग से होने वाले नुकसान की। आज तक आपने नींबू के फायदों के बारे में सुना होगा, लेकिन अब जरूरत से ज्यादा नींबू का सेवन कर लिया जाता है तो इसके नुकसान भी होते हैं। अक्सर लोग नींबू पानी को फायदेमंद मानकर दिन में कई बार इसे पीते हैं, लेकिन यह आपके शरीर के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। तो आइए जान लेते हैं कि नींबू के साइड इफेक्ट कौन कौन से हैं। नंबर एक, पेट को खराब करता है नींबू। नींबू के रस का ज्यादा सेवन पेट को खराब कर सकता है, क्योंकि यह एसिडिटी लेवल को बरकरार रखता है, जिससे भोजन को पचने में आसानी होती है। कभी कभी भोजन को पचने के लिए एसिडिटी फायदेमंद होती है, लेकिन इसका स्तर ज्यादा बढ़ने से पेट में दर्द और एसिड रिफ्लक्स और जलन की समस्या बढ़ जाती है। इससे बचने के लिए कम मात्रा में नींबू का रस लें या खाने के साथ या पानी में मिलाकर ही पिएं। दांतों का क्षरण। बार बार नींबू के रस और दांतों का संपर्क होने से दांतों की ऊपरी सतह को नुकसान पहुंचता है। इससे बचने के लिए नींबू के रस को पानी में मिलाकर ही पिएं। इसके अलावा आप दांतों की सुरक्षा के लिए स्ट्रॉ की भी मदद ले सकते हैं। इससे नींबू के रस और दांतों में संपर्क नहीं होगा। मुंह के छाले। नींबू में मौजूद सिट्रिक और एस्कॉर्बिक एसिड मजबूत एंटी माइक्रोबायल हैं, जो मुंह के संक्रमण को रोकते हैं, लेकिन नींबू का ज्यादा सेवन श्लेष्मा झिल्ली को नुकसान पहुंचाता है, जिससे मुंह के छालों की समस्या का सामना करना पड़ता है। सीने में जलन। नींबू के पानी का ज्यादा सेवन हर्टवर्न यानी सीने में जलन पैदा करता है। अगर आप नींबू के पानी का सेवन ज्यादा करते हैं तो आपने इसका अनुभव जरूर किया होगा। हर्टवर्न की समस्या तब होती है जब एसोफेगस और पेट सही ढंग से काम नहीं करते हैं। पेट से निकलने वाला एसिड वापस एसोफेगस में आ जाता है। इस प्रक्रिया को रिफ्लक्स के नाम से भी जाना जाता है। इससे बचने के लिए एसिड युक्त खाद्य पदार्थ और पेट से दूर रहना चाहिए। शरीर में पानी की कमी। बहुत कम मामले ऐसे होते हैं जिनमें नींबू पानी ज्यादा यूरिन बनाने का काम करता है। नींबू में विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड की मात्रा भरपूर होती है। यह तत्व डाइयूरेटिक तत्व के नाम से जाने जाते हैं। इसका मतलब है कि यह किडनी में यूरिन के निर्माण को बढ़ाते हैं, जिसे शरीर में पानी और सोडियम निकल जाते हैं और शरीर में पानी की कमी होने लगती है। जरूरी पोषण की कमी। नींबू पानी शरीर को डिटॉक्स करता है, लेकिन इसके साथ ही शरीर की कई जरूरत पोषक तत्वों को भी बाहर निकाल देता है। इसलिए नींबू पानी का अत्यधिक सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। माइग्रेन और अस्थमा। नींबू का सेवन कभी कभी माइग्रेन का कारण भी बन सकता है। कुछ लोगों को इससे एलर्जी भी होती है। इसके अलावा यह अस्थमा के लक्षणों को भी बढ़ा देता है। दोस्तों, आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है, जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान।